परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र उस प्रेरणा उस संदेश को हमें प्रदान करने का मंत्र है जो ये स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवन का जो असली मूल्य है वो इसी वर्तमान के क्षण के अंदर सन्निहित है जहाँ पर अभी हम लोग उपस्थित हैं। यदि आप मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करके देखें देखें कि हम लोगों की दृष्टि किधर है तो महसूस करेंगे कि या तो व्यक्ति की दृष्टि उधर है जिधर गुजरा हुआ कल है, जिसको हम लोग अतीत कह करके पुकारते हैं, या फिर व्यक्ति की दृष्टि उधर है जिधर आने वाला कल है जिसको हम भविष्य कह करके पुकारते हैं, या तो व्यक्ति यादों में उलझा हुआ है, जो कल चला गया उसकी यादें हैं स्मृतियाँ हैं, या फिर व्यक्ति उस सपने में खोया हुआ है जो अभी आने वाला कल है, और इधर और उधर देखने के चक्कर में व्यक्ति उसको भूल जाता है जो वर्तमान के क्षण में अभी हम लोगों को नसीब हुआ है। कब ये आज का क्षण, अभी का क्षण, आज के इस सौभाग्य का क्षण व्यक्ति के हाथ से रेत की तरह से फिसल जाता है, व्यक्ति उसको अनुभव महसूस नहीं कर पाता। उस ओर दृष्टि को लाने के लिए गायत्री का ये पावन मंत्र आता है। ये याद दिलाता है कि जीवन अपने आप में किसी मूल्य को लेकर के नहीं आता, जीवन का मूल्य इस आधार पर आता है कि हम जीवन के अंदर डालते क्या हैं। जीवन तो आग है, आग के अंदर आप कूड़ा डालेंगे तो बदबू आएगी, आग के अंदर आप हवन सामग्री डालेंगे तो खुशबू आएगी। जीवन के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ को डाला हमारे शुभ कर्म शुभ परिणामों को लेकर के आते हैं और अशुभ अशुभ परिणामों को लेकर के आते हैं। पर जीवन की जो भागदौड़ है, ऊहापोह है, इधर उधर की समस्याएं हैं, शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, मन के विचार हैं, मन की कल्पनाएं, ये व्यक्ति को उसके जीवन पथ से जीवन के उद्देश्य से इतनी दूर ले जा करके खड़ा कर देते हैं कि जो जीवन न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद नसीब हो पाता है, मिल पाता है, उस ओर व्यक्ति की दृष्टि निगाहें आ नहीं पाती। और उधर हम लोगों की दृष्टि आ सके, उधर हम लोगों की निगाहें आ सके, हमारे जीवन का पथ, जीवन का दृष्टिकोण, जीवन की शैली उस जगह पर सन्निहित हो सके जहाँ जाने पर व्यक्ति को जीवन में सौभाग्य और कल्याण और शुभ और मंगल प्राप्त हो पाते हैं, उस ओर दृष्टि लाने का कार्य गुरु जैसी आध्यात्मिक चेतना करती है। एक प्रसिद्ध तपस्वी हुए, वो कहा करते थे कि गुरु अपने शिष्य को तैयार चार तरीकों से करते हैं। पहला, घर्षण, घिस करके देखते हैं कि अभी हमारा बच्चा, अभी हमारा शिष्य, अभी हमारा अपना, अभी हमारा अंग अवयव हमारे भरोसे के काबिल हो पाया कि नहीं, उसको हम पर भरोसा आया कि नहीं, उसको अपने ऊपर भरोसा आया कि नहीं। अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको कहाँ लेकर के गए, शराब के कोठे पर लेकर के गए। 30-35 और शिष्य थे, उनने देखा कि गुरु तो शराब के कोठे की ओर जा रहे हैं, एक एक करके सब विदा होने शुरू हुए। अंत में अमीर खुसरो अकेले खड़े रह गए। खड़े रह गए तब गुरु ने सिर पर हाथ रखा, हाथ रखा तो खुसरो को नजर आया न वहाँ कोई शराब है न वहाँ पर कोई कोठा है, वहाँ पर तो परमात्मा विद्यमान है। गुरु परीक्षा लेते हैं ये देखने के लिए कि हमारे प्रति शिष्य के मन में भरोसा आ पाया कि नहीं। घिस करके देखते हैं, घर्षण, तपा करके देखते हैं, तापन, कि अभी हमारा जो शिष्य है वो इस योग्य बन पाया कि नहीं, कि यदि उसे कोई योग्यता दी जाए, प्रतिभा दी जाए, तो वो उसको अपने अंदर समेट पाएगा कि नहीं, संभाल पाएगा कि नहीं। इसलिए तपा करके देखते हैं उसको इस योग्य बनाने के लिए। गुरुदेव कहते थे कि जो शिष्य और गुरु का संबंध है बेटा वो नवविवाहिता की तरह से होता है। एक बार डोली पर चढ़ करके आती है और दोबारा अर्थी पर उस घर से बाहर निकलती है। हम लोग गुरुदेव के घर पर डोली पर चढ़ करके आए, अब हम लोगों की अर्थी ही यहाँ से निकलेगी। गुरुदेव कहते थे कि वो तपा करके देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर वो योग्यता आ पाई कि नहीं, और छेदन, छेद करके देखते हैं कि व्यक्ति शिष्य अपने जीवन पथ की ओर समर्पित है कि नहीं, कहीं उसकी दृष्टि कहीं उसकी निगाहें भटक तो नहीं गई। महर्षि गौतम के जो शिष्य थे
कोई राजा था, कोई सेनापति था, कोई महामंत्री था, सब बड़ी बड़ी जगहों पर थे। उनमें से एक जो शिष्य था वो अपने जीवन पथ को भूल गया, डाकू बन गया, बड़ा दुर्दांत, लोगों की हत्याएं करता, लोगों को मारता। महर्षि गौतम को पता चला तो उससे मिलने के लिए जंगल में गए, जहाँ वो लोगों को मारता था, उनके ऊपर हत्याएं करता था, अपराध करता था, हिंसा करता था। गए, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पूर्णिमा की रात थी, अंधेरे में। पहले तो उसको दूर से दिखा नहीं कि कौन आ रहे, हमारे गुरु आ रहे हैं, महसूस नहीं कर पाया। एकदम तलवार उठाई कि मैं वध करूँगा। इतनी देर में, चंद्रमा की रात में, रोशनी में उसकी दृष्टि गई कि अरे हमारे गुरु हैं। तलवार उठी थी, हाथ से छूट गई, चरणों में गिर गया, आँख से आंसू गिरने लगे। गुरुदेव आप यहाँ क्यों आए? बोले मैं कहीं गलती से आपका वध कर बैठता तो क्या होता? महर्षि गौतम बोले कि बेटा तू मेरा वध कर बैठता तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती, तू अपना वध करके बैठा है उसकी चिंता मुझे ज़्यादा है। अपने जीवन के पथ को भुला करके बैठा है, तुझे तेरी राह पर लाने के लिए मुझे आना पड़ा। गुरु उस संकट को भी अपने ऊपर लेते हैं ताकि व्यक्ति का जीवन उस पथ पर आ सके, उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके जो जीवन का मूल पथ, मूल ध्येय और मूल उद्देश्य है। और अंत में गुरु परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति समर्पित हो पाया कि नहीं। मार्जन, चार तरीकों से जो परीक्षाओं से खरा उतरता है वो गुरु का शिष्य बन पाता है। आज का ये शुभ अवसर, सौभाग्यशाली अवसर यही स्मरण दिलाने के लिए आया कि हम लोग स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर, उस शक्ति के साथ अपने हृदय की भावनाओं को जोड़ें जो हमें सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर, सत्प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाती हैं। शांत मन, स्थिर चित्त के साथ, इस भावना के साथ और इस पुकार के साथ और इस अभ्यर्थना के साथ कि हमारे जीवन में हृदय की डोर गुरुदेव के साथ, माँ गायत्री के साथ, वंदनीय माता जी के साथ जुड़ सके। एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ सब लोग शांत मन के साथ उसी शक्ति को पुकारें। ओ गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये जो अत्यंत ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण अवसर है, इस अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों से आए हम लोगों की अपनी सक्रिय बहनें, कार्यकर्ता बहनें, उपस्थित भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही सौभाग्यशाली शुरुआत के दिन आप लोगों के मध्य में खड़े हो पाने का ये सुयोग, सुअवसर, सौभाग्य हमको मिल रहा है। और जब अपनों के बीच में, अपनों के रूप में खड़े हो पाने का एक अवसर मिलता है तो मुझे लगता है कि उस अवसर को इस तरह से लेने की आवश्यकता है कि जो हमारे मन की पीड़ा है और जो मन का दर्द है उसको अपनों के बीच में खोल करके रख देना चाहिए। और शायद आज एक ऐसी ही अनकही पीड़ा को, मन के लंबे समय के दर्द को लेकर मैं आप लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ हूँ। और उसको कहते समय में यदि मुख से कुछ अन्यथा निकल जाए तो आप लोग क्षमा करिएगा, पर भाव यही है कि यदि मन के दर्द को अपनों के बीच में बांट दिया जाए तो न केवल वो हल्का हो जाता है बल्कि हो सकता है कि वो एक नई सोच को, एक नए संकल्प को, एक नए सूत्र को जन्म दे सके। जिस भाव के साथ इस पीड़ा को साझा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ वो भाव यही है कि हम लोग यहाँ से एक नए संकल्प को लेकर के जा सके, क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थितियों में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, परिस्थितियाँ
निश्चित रूप से न केवल गायत्री परिवार के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नए सौभाग्य की शुरुआत को लेकर के आई है। यदि हम लोगों का संकल्प एकनिष्ठ हो पाता है, एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो पाता है, उस कार्य को करने के लिए हम लोग एकजुट हो पाते हैं जो विश्वास परम पूज्य गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने हम में से प्रत्येक के प्रति दिखाया, तो शायद उस कार्य को कर पाना सहजता के साथ संभव हो सकेगा जिसको करने के लिए गायत्री परिवार का जन्म हुआ है। यदि आप पूछें कि दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है, तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको जानने के लिए हम लोगों को गायत्री परिवार के विस्तार को देखना होगा। और यदि हम लोग गायत्री परिवार के आज विस्तार को देखें तो इसमें कोई शंका नहीं कि मन में गर्व, गौरव, स्वाभिमान उठता है। आप जिधर भी जाएं वहाँ ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने न जाने कितने वर्षों पहले इस कार्य को करने के बीज वहाँ पर बोए थे, जिसके स्थान पर जाकर आज फल को खा पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पा रहा है। इसमें हम लोगों की कोई योग्यता नहीं, जो किया गया है वो गुरुदेव के द्वारा किया गया है, माताजी के द्वारा किया गया है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि उनने उस जगह पर खड़े हो पाने का श्रेय हमको दे दिया जहाँ पर वर्षों पहले वो भूमिका को बना करके आए थे। अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम में मैं था, वहाँ पर एक स्थान पर जा पाने का अवसर हम लोगों को नहीं मिल रहा था। जो मूल पथ था उससे वो जो स्थान था वो लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर था, और हम लोगों का कार्यक्रम ही बहुत देर से संपन्न हो रहा था, पर जो बाबूजी थे वो बहुत जिद में थे कि नहीं भैया आपको चलना ही है। तो हमने कहा कि अच्छा बाबूजी, बिल्कुल प्रयत्न करके देखते हैं। एक नियम है कि यदि कहीं पर गुरुदेव गए या गुरुदेव ने कहा तो कोशिश करते हैं कि उस जगह पर हम लोग अवश्य जाएं। तो रात्रि के 10 बजे पहुँचे, उनको भी बताया नहीं था कि हम लोग आएंगे, ये कहा था कि बाबूजी प्रयत्न करेंगे। अब रात को 10 बजे पहुँचे तो उस समय में उनके आँख से बिल्कुल आंसू गिरने लगे। जंगल के मध्य में मुख्य पथ को छोड़कर 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद बिल्कुल वहाँ पर शक्तिपीठ है। पूछा मैंने कि क्यों बाबूजी, बोले कि भैया 82 में शक्तिपीठ बन करके तैयार हुआ, 83 में हम लोग गए तब तक गुरुदेव निकलना बंद कर चुके थे, 84 में दोबारा गए तब तक गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए थे, 86 में गए जब गुरुदेव ने थोड़े लोगों से मिलना शुरू करा तो बहुत प्रयत्न के बाद गुरुदेव से मिल पाए। मिलने के लिए गए तो गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव आप चलें एक बार शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा करें, तो गुरुदेव बोले कि बेटा अब तो सूक्ष्मीकरण साधना में चला गया हूँ। तो बोले उसके बाद आइएगा, तो गुरुदेव बोले बेटा सूक्ष्मीकरण के बाद मैं बाहर नहीं निकलूँगा, भीतर उतरूँगा, बाहर तो नहीं जाऊँगा। बोले पर तेरी बहुत इच्छा है तो एक काम कर कि तू मेरा चित्र रख करके प्राण प्रतिष्ठा कर दे, बोले किसी को भेज दीजिए। गुरुदेव बोले कि बेटा उसके लिए तुझको 36 वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बात आई गई हो गई। 36 वर्ष के बाद ठीक उसी तिथि को, जिस तिथि को पूज्य गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई थी, उसी तिथि को हम लोगों की टोली वहां पर पहुंची। अब आप सोच करके देख कितने वर्ष की व्यवस्था, कितने वर्ष की भूमिका गुरुदेव बना करके गए। कभी कभी जब हम ऐसे घटनाक्रमों को देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं, मन में लगता है कि कितना बड़ा गौरव हम लोगों को मिला कि एक ऐसे देवी अभियान के साथ, एक ऐसी ईश्वरी व्यवस्था के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। कट्ठीवाड़ा में थे, अलीराजपुर का जोबट का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग थे, तो वहाँ पर एक दिन में गुरुदेव की स्थापनाएँ 7 केंद्रों की हैं। हम लोग सुबह के 3:30 बजे निकले, जिस समय में गुरुदेव करके आए 40 वर्ष पहले, उस समय में वहाँ पर आधी जगह पे पानी बहता था, गुरुदेव नाव से गए, कहीं बैलगाड़ी से गए, कहीं पैदल गए, और हम लोग सुबह के 3 बजे के निकले हुए हैं। रात को 10:30 बजे जब हम लोगों ने अंत किया तो 7 में से 6 ही केंद्रों को देख पाए थे, 7वां तब भी नहीं देख पाए थे। कितना काम गुरुदेव करके गए, उसको देख करके मन में कभी कभी लगता है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का, इस देवी व्यवस्था के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। पर उसके साथ एक छोटा दर्द जुड़ा हुआ है, और जो दर्द जुड़ा हुआ है दोस्तों वो ये है कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का अवतारी स्वरूप है, उनका जो अलौकिक जीवन है, उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनके जीवन का, उनके दर्शन का, उनके चिंतन का, उनकी चेतना का, उनके कर्म का, उनकी साधना का, उनकी उपासना का, उनकी तपस्या का, उनके जीवन दर्शन का, और जो उनके
अंतर मन की पीड़ा रही होगी, उसका जो उद्देश्य था उसको लोगों तक पहुंचाने में, उसको विश्व तक पहुंचाने में हम लोगों के कदम कहीं पर शिथिल पड़ रहे हैं। करने को बहुत सारा है, हर व्यक्ति के पास हम लोगों को जाने की आवश्यकता है, हर घर तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊर्जा बिखर जाती है और उन चीज़ों की ओर लग जाती है जहाँ पर हमारे मन को, हमारे जीवन के उद्देश्य को लगने की आवश्यकता नहीं। केंद्र बन गए तो ठीक, उनकी व्यवस्थाएं बन गई तो ठीक, उनकी समितियां बन गई तो ठीक, उनके ट्रस्ट बन गए तो ठीक, न बने होते तो भी कोई बात नहीं थी, पर हम लोगों के जीवन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि गुरुदेव जिस पीड़ा को हमें दे करके गए, उस पीड़ा को हम लोग लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। और मुझे ये देख करके कभी कभी थोड़ा मन में कष्ट होता है, जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा करने के लिए खड़ा हुआ, कि जिस भाव के साथ हम लोग गुरुदेव और माता जी को देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसी भाव को हम अगली पीढ़ी को सौंप पाएं, हम बता पाएं उनको कि गुरुदेव माताजी को देखने के पीछे हम लोगों का भाव क्या था, किस कष्ट को लेकर उनने अपने जीवन को जिया। मुझे देख करके कभी कभी कष्ट होता है जब मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए गुरुदेव मात्र गायत्री परिवार के संस्थापक बनकर के रह गए, वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपिता नहीं थे, वो गायत्री परिवार के संस्थापक नहीं थे, हमारे लिए वो तस्वीर नहीं है जहाँ पर हम लोग पुष्प चढ़ाएं और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लें, हमारे लिए वो समाधि का पत्थर नहीं है कि हम लोग सिर टिका करके आए और सोचें कि आज हम लोगों का काम खत्म हो गया, ना, हमारे लिए तो धड़कन है वो, हमारी, हमारा जीवन गुरुदेव है, इसके अलावा तो और कुछ हमने सोचा ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो दर्द हम आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें, कि जिस दर्द के साथ गुरुदेव ने जीवन को जिया, और यदि उस दर्द को हम अगली पीढ़ी को सौंप पाने की स्थिति में होते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन सौभाग्य के साथ गया। हमारे जीवन का दर्द एक ही है, जब मेरे को ये देख करके कभी कभी मन में कष्ट होता है कि हम लोगों को शायद बताने से चूक जाते हैं कि गुरुदेव के जीवन का मूल उद्देश्य क्या था। हमारे लिए वो PhD का रिसर्च टॉपिक नहीं है, हमारे लिए वो ये नहीं है कि गुरुदेव ने क्या स्थापित किया, क्या किया, हमारे लिए तो धड़कन है वो हमारे। मैं 95% लोगों को जानता हूँ गायत्री परिवार के, जिनके मन में यही दर्द है, और वो समझ सकते होंगे कि मैं किस भाव के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। मेरे कहने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, पर मैं कह उनके लिए नहीं रहा हूँ जिनके हृदय में गुरुदेव निवास करते हैं, मैं कह उनके लिए रहा हूँ जो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि गुरुदेव और माता जी किस चेतना का नाम थे, उनके लिए सिर्फ गुरुदेव एक साहित्यकार बन करके रह गए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको लगता है कि गुरुदेव और माता जी का नाम बताने में कभी कभी वो उस संकोच को प्राप्त कर जाते हैं जिसको करने की आवश्यकता नहीं। अन्य महापुरुषों के नाम तो लोग गर्व और गौरव से लेना चाहते हैं, पर गुरुदेव को अवतारी चेतना बताते समय में उनकी जीभ कांप जाती है, भूल जाते हैं वो लोग कि इस पूरे गायत्री परिवार में, इस पूरे शांति कुंज में, इस पूरे कण कण के अंदर सिर्फ उसी चेतना का तो निवास है। यहाँ पर कवि भी वही है और कविता भी वही, यहाँ पर गायत्री परिवार और गुरुदेव भिन्न थोड़े हैं, जो कृति है और जिसने बनाया वो दोनों एक ही हैं, यहाँ पर कण कण पर उन्हीं का निवास है, और जो घट रहा घटनाक्रम है या घटने वाला है या घट चुका है इसके एक एक क्षण का उनको पूरा आभास है। ऐसा कुछ यहाँ पर घटता नहीं जिसके विषय में गुरुदेव को पता चलता नहीं। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो एक पुराने कार्यकर्ता थे, और किसी कारण से एक दूसरे कार्यकर्ता थे, उनको कुछ लगा होगा कि इनकी कोई बात सही नहीं है, तो उनने डिक्टाफोन वगैरह लगा करके रिकॉर्डिंग करी, 12-15 दिन लगाए, आज की तरह का समय नहीं था कि व्यक्ति और तरीके से रिकॉर्ड कर सके, तो डिक्टाफोन लगा करके रिकॉर्ड किया। 12-15 दिन लगाने के बाद गुरुदेव के पास गए, ले जा करके गुरुदेव के सामने रिकॉर्डिंग रखी, बोले गुरुदेव ऐसा ऐसा वो कह रहे थे। गुरुदेव हंसे, बोले बेटा एक बात बता, 12-15 दिन तूने रिकॉर्डिंग करने में लगाए, इसके दो ही अर्थ, एक तो तेरे पास 12-15 दिन का खाली समय था जो तू और कुछ न करके सिर्फ दूसरे की रिकॉर्डिंग करता रहा, दूसरा ये सोच करके देख कि 12-15 दिन तूने यदि नकारात्मक भाव के साथ गुजारे और इतने ही समय को साधना उपासना में आत्मकल्याण में लगाता तो कितना फल मिलता। तीसरा गुरुदेव बोले और इतनी प्यारी बात बोले, मैं कभी भूलता नहीं, बोले बेटा शांति कुंज में क्या घट रहा है, गायत्री परिवार में क्या घट रहा है, ये जानने के लिए मुझे तेरे टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता नहीं। बोले शांति कुंज मेरा शरीर है,
शांति कुंज मेरा शरीर है, इस पर मक्खी भी बैठती है तो मुझको पता चल जाता है, यहाँ पर मक्खी भी बैठती है तो गुरुदेव को पता चल जाता है। तो आप सोच करके देखिए कि किस शक्ति के विषय में चर्चा हो रही है। इस संसार में बहुत लोग बड़े हैं दोस्तों, ये धरती ही बड़ी, 13,000 किलोमीटर कहते हैं इसका व्यास है। आप यदि एक स्थान से चलें और दूसरे स्थान तक जाना चाहें तो पहुंचने में हो सकता है कि पूरा जीवन चला जाए, तब भी पूरी धरती की परिक्रमा संभव न हो सके। तो ये धरती बड़ी, पर इससे बड़ा तो सूरज है। आप जरा सोच के देखिए, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को पता है कि नहीं, पर एक सूरज के अंदर कितनी धरतियां समा सकते हैं। एक सूरज के अंदर 10,00,000 पृथ्वियां समा सकते हैं। अभी सूरज के अंदर से सोलर फ्लेयर निकली तो उस एक सोलर फ्लेयर की जो लंबाई थी वो 83 पृथ्वियों के बराबर थी। तो धरती बड़ी, पर धरती से बड़ा सूरज, और सूरज के अंदर 10,00,000 पृथ्वियां समा जाती हैं, और वो सूरज भी सबसे बड़ा नहीं है। हमारे से 3 सौरमंडल छोड़ करके जो सूरज है वो इतना बड़ा है आर्कटूरस कि उसके अंदर हमारे जैसे सूरज के 25 सूरज समा जाते हैं, पर वो भी बड़ा नहीं है। उससे बड़ा एक और तारा है, उसका नाम है कैनिस मेजोरिस, उसके अंदर हमारे जैसे सूरज के 1.3 खरब सूरज समा जाते हैं, इतना बड़ा है, पर वो भी सबसे बड़ा नहीं। उससे बड़ा टोन 216 नाम का एक सितारा है, उसके अंदर 140 खरब सूरज समा जाते हैं। 140 खरब सूरज, एक सूरज के अंदर 10,00,000 पृथ्वी, उन 10,00,000 पृथ्वियों में से एक जगह पर हम छोटे से व्यक्ति के रूप में विद्यमान है। तो इस ब्रह्मांड में हर बड़े से बड़ा कोई ना कोई है, और मेरी दृष्टि में जो सबसे बड़ा है उसका नाम परम पूज्य गुरुदेव। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई एक शक्ति है और एक कोई चेतना है जो शायद सबसे बड़ी है और सबको अपने अंदर समाहित करने की सामर्थ्य रखती है, तो वो गुरुदेव है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि लोगों को अच्छी लगे, अलंकारिक लगे, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग इनको प्रशंसा की दृष्टि से देखें, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें सच है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात पर मुझको पूरा पूरा भरोसा है कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चेतना है तो उनका नाम परम पूज्य गुरुदेव। और इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में आज जुड़ने वाले कार्यकर्ता, 100 वर्ष बाद जुड़ने वाले कार्यकर्ता के मन में ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो सके कि बात किसके लिए की जा रही है। नहीं तो लोग सूरज को जुगनू समझ करके बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। कभी व्यक्ति को लगता है कि उनके अंदर गुरुदेव आए, कभी लगता है उनके अंदर गुरुदेव आए। गुरुदेव किसी के अंदर नहीं, हम में से किसी के अंदर नहीं। हम लोगों को उठाकर गुरुदेव के चरणों के अंदर डाल दिया जाए तो हमारे जैसे करोड़ों व्यक्तित्व मिलकर भी गुरुदेव के चरणों की धूल नहीं बन सकते। गुरुदेव एक ही थे और एक ही हैं और एक ही रहने वाले हैं। इस धरती पर हिमालय एक ही बनता है, आसमान में सूरज एक ही निकलता है, और ब्रह्मांड से गंगा एक ही अवतरित होती है, दूसरी होती नहीं। तो मेरी दृष्टि में गुरुदेव एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे, और हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोग गुरुदेव के चरणों में गिर पाते हैं। हमारे जीवन का, आज इन बातों को कह पाने का जो एकमात्र कारण है दोस्तों, वो मैं इस उद्देश्य के साथ कहना चाहता हूँ कि कोई 100 वर्ष बाद भी जिसने गुरुदेव को देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, वो यदि पलट करके सुनना चाहे कि गुरुदेव कौन थे, तो इन बातों को याद कर सके कि गुरुदेव के होने का अर्थ क्या है। आप जरा सोच करके देखिए, आज से लगभग 300 वर्ष पहले ये युग निर्माण योजना का प्रोजेक्ट उतर कर धरती पर आया, 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में भक्तिकालीन सारे आपको जितने सूर, कबीर, तुलसी, इन सबको कहा गया कि आप जाकर के वातावरण बनाओ। ये कहीं लिखा हुआ इतिहास नहीं है, पर अध्यात्म की जगत में हर व्यक्ति इस बात को जानता है। फिर 6 लोगों को जिम्मेवारी दी गई, 50-50 वर्ष बांटे गए। जो अंत के 150 वर्ष थे, जिनको हम संक्रमण काल कहते हैं, उनमें पहली जिम्मेवारी दी गई स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद को। दूसरी जिम्मेवारी दी गई महर्षि अरविंद को, रमण महर्षि को। तीसरी जिम्मेवारी दी गई पूज्य गुरुदेव को और वंदनीय माता जी को। इनमें से महापुरुषों के मध्य में तुलना करना श्रेष्ठ नहीं, पर आप सोच करके देखिए इस बात को। एक बार अपने मन को यहाँ से हटा लीजिए, मत सोचिए शांति कुंज के प्रांगण में बैठे हैं, गुरुदेव से हमारा कोई संबंध है। आप इस बात को जरा सोच करके देखिए तो आप महसूस कर सकेंगे दोस्तों कि जिस कार्य को महर्षि अरविंद को करना था, वो करने के लिए उनको 40 वर्ष एक कोठरी में गुजारने पड़े, बाहर निकले नहीं वो। सिर्फ जब उनके पैर का फ्रैक्चर हुआ तब एक बार उनने आश्रम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। महर्षि रमण अपनी गुफा से बाहर नहीं निकले।
और ऐसे कलुषित समय में जब अंधकार सबसे ज़्यादा हावी था और जहाँ पर भी देवी चेतना दिखाई पड़ती है उस जगह पर तुरंत जाकर के आसुरी शक्तियाँ तुरंत आक्रमण करती हैं कि ये दीपक आगे चल कर प्रकाश बने, इससे पहले इसको पहले ही बुझा दो। और ऐसे समय में तुरंत हमला करने के लिए आती हैं। और ऐसे समय में न केवल गुरुदेव आए बल्कि जीवन के हर आयाम में शिखर पर जीवन को जी करके गए। साधना करी तो इतनी करी, सोच पाना संभव नहीं। लिखा तो इतना लिखा, लिख पाना संभव नहीं। आप ये सोच के देखिए कि अभी सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों के जो QR कोड है, उन QR कोड में भी 3400 के 2300 QR कोड, इतने की किताब निकाल करके छापी है तो 1.5 किलो की तो वो है। जितना गुरुदेव ने लिखा वो एक व्यक्ति के वजन से ज्यादा का गुरुदेव लिख करके गए। इतना लिख के गए, इतना बोल के गए, इतना बड़ा संगठन खड़ा करके गए, इतनी सारी चीजें करके गए और उसके बावजूद निष्कलुष जीवन को जी करके गए। तो कहना उचित नहीं, पर यदि महापुरुषों की दृष्टि से भी देखें तो जिन परिस्थितियों में गुरुदेव का आगमन हुआ और जिन चुनौतियों को गुरुदेव ने धारण किया, उन चुनौतियों को ले पाना और उनमें इतना श्रेष्ठ कार्य कर पाना किसी और के लिए संभव नहीं था, उतना गुरुदेव जी करके गए। अपने कार्यकर्ता हैं पूर्वांचल के, वो सन 86-87 की घटना है, गुरुदेव से मिल करके गोमुख नंदनवन तपोवन की यात्रा पर निकले और मन में एक भाव था कि कोई ऋषि दिख जाए, कोई ऐसे व्यक्तित्व दिख जाए तो एक बार हम लोग दर्शन कर लें, ये सोचते हुए गए वो। अब संयोग से क्या हुआ कि गोमुख के आगे निकले तो रास्ता भटक गए, तो जाना तो था अपना गंगोत्री से आगे निकले गोमुख के लिए तो रास्ता भटक गए, तो भोजवासा की तरफ रुकने के बजाय कहीं और चले गए। वहाँ पर एकदम रात में भटक रहे थे तो उनको दूर कहीं पर छोटा सा प्रकाश दिखाई पड़ा, तो वहाँ गए, गुफा थी, वहाँ जा कर के बैठे। अंदर देखा तो एक ऋषि जैसी शक्ति जो थी ध्यान कर रही थी, और एकदम उनके रोएं खड़े हो गए। उनको लगा कि आज तो मेरा सौभाग्य, मैं जो सोच रहा था वही मुझे नसीब हो गया। अब मनी मन वो सोच रहे थे कि इनको जा कर के मैं प्रणाम करूँ, तो वो उनसे क्या बोले, वो बोले बेटा इस युग के भगवान से मिल कर के आ रहा है और पत्थरों के अंदर तू भगवान को ढूंढता खोज रहा है। बोले तेरा सौभाग्य है तू भगवान के पास से आ रहा है, न भूतो न भविष्यति। बोले जिन गुरुदेव के पास से तू आ रहा है वो न पहले कभी पैदा हुए और न भविष्य में उनके जैसा दूसरा कोई आने वाला है। ऐसी शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। जिस आशय के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ दोस्तों, कि हम लोग मन में उस गर्व को, गौरव को, स्वाभिमान को धारण करके जाएं, कि इतनी बड़ी चेतना के साथ जुड़ पाने का एक अवसर और सौभाग्य हम लोगों को मिला। महापुरुष धरती पर अनेकों आते हैं और उनके जीवन से अनेकों लोग शिक्षण को, लोक शिक्षण को, दिशा को प्राप्त करते हैं। पर महापुरुषों में और अवतारों में एक भेद होता है। भेद ये होता है कि अवतार भी लोक शिक्षण के लिए जीवन को जीते हैं, पर उनके आने के साथ साथ वातावरण की दिशा और कालचक्र का जो निर्धारण है वो बदल जाता है। प्रकाश तो आता ही है पर साथ ही साथ प्रकाश स्थापित भी होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे अंधेरे में जुगनू भी रोशनी देता है, टॉर्च भी देती है, ट्यूबलाइट भी देती है, हैलोजन भी देती है, ये सब जलते हैं तो अंधेरा जाता है, पर इन सब के आने से सिर्फ अंधेरा थोड़ी देर के लिए जाता है, पर जब सूरज निकलता है तो अंधेरा जाता भी है और सवेरा आता भी है। गुरुदेव जब आते हैं तो उनके जाने से न केवल अंधेरा जाता है बल्कि सवेरा भी आता है। उनके आने के साथ साथ सूर्योदय की संभावना भी हो जाती है, नहीं तो प्रकाश बिखेर करके तो बहुत लोग जाते हैं, पर उनके आने से सिर्फ सूर्योदय नहीं हो जाता, सूर्योदय को आने के लिए आपको भगवान सूरज की आवश्यकता पड़ती है और वो कार्य गुरुदेव करके गए। और जब ऐसे लोग आते हैं जो अवतारी चेतनाएं होते हैं तो उनके आने से बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, पर जो सबसे बड़ा काम घटता है वो क्या घटता है, वो ये घटता है कि वो छोटे छोटे व्यक्तियों के अंदर इस विश्वास को डाल देते हैं कि हम भगवान के साथ जुड़ गए, अब हम असाधारण कार्य को कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये शक्ति आ जाती है, इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ जाती है कि व्यक्ति अपने मन में विश्वास रखता है कि हम किसी से भी जूझ पाने की ताकत रखते हैं, और वो विश्वास यदि हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। विभीषण की कहानी आती है दोस्तों, राम रावण का युद्ध चल रहा था, रावण ने भगवान राम के ऊपर मूर्छा छोड़ी, लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ी तो हर कोई जानता है, पर भगवान राम के ऊपर रावण ने चलाई तो एकदम क्षण के सौवे हिस्से के लिए भगवान की चेतना थोड़ी सी मंद पड़ी, क्षण के सौवे हिस्से के लिए, बस एकदम इतनी सी देर के लिए। इतनी देर को ये देख करके विभीषण को इतना गुस्सा आया
कि इनने हमारे भगवान के ऊपर जो है इनने मूर्छा चलाई कि वो विभीषण कूद कर रावण के रथ के ऊपर चढ़ गया और रावण का गला दबाने लगा। भगवान शिव पार्वती से बोले कि माता जी आप देखते हो, माता पार्वती आप देखते हैं? बोले क्या? बोले देखिए क्या घट रहा है। बोले हाँ। माता पार्वती बोली कि हाँ दिख रहा है। बोले वही विभीषण है जिसको रावण ने लात मार करके निकाला था और ये कुछ कह नहीं पाया था, आज भगवान के साथ जुड़ गया है तो उसके पास इतनी ताकत आ गई है कि रावण के रथ के ऊपर जा करके बैठ गया। भगवान के साथ जुड़ जाने के बाद जटायु के पंखों में बल आ जाता है। वो जटायु जो ये सोच करके बैठा था कि अब मैं बूढ़ा हो गया किसी काम का नहीं, उसके पंखों में इतना बल आ गया कि वो जा करके रावण से जूझ गया। वो गिलहरी जो ये सोच करके बैठी थी कि मैं किसी काम की नहीं, उसके अंदर इतना बल आ गया कि अपने पीठ के ऊपर बालू लेकर समुद्र को सुखाने चल पड़ी। भगवान के साथ जुड़ जाने के बाद बल आ जाता है। और हम लोग सोच के देखें हमारे अंदर नहीं आया क्या? हम लोग कैसे अनगढ़ थे, हमें भगवान ने क्या बना दिया? हम लोग जो बोल नहीं पाते थे बोल रहे हैं, जो कुछ कर नहीं पाता था वो कर रहा है। ओमकार भाई साहब अभी कहीं दिख रहे थे, पता नहीं है कि नहीं। हाँ ओमकार भाई साहब बैठे, ओमकार भाई साहब से आप पूछ करके देखिए, ओमकार भाई साहब का हारमोनियम में स्वरलिपि पे गाना नहीं निकलता था। एक दिन जो है बहुत दुखी होकर के गुरुदेव के पास जा करके बोले कि गुरुदेव निकलता नहीं है। अगले क्षण पहले ही जो गीत गाने के लिए बैठे हारमोनियम पर तो स्वरलिपि के साथ गाना निकलना शुरू हो गया। हमारे माकड़ोन में सरिया बाबू जी हैं, वो पोलियो हो गया था, पैर बिल्कुल काम नहीं करता था उनका, बिल्कुल चल नहीं पाते थे, एकदम किसी स्थिति में नहीं थे। और ऐसी स्थिति में उनकी माँ ने ले जा करके गुरुदेव के गोद में रख दिया। गुरुदेव की गोद में रखा, गुरुदेव बोले कि चलेगा नहीं दौड़ेगा, दौड़ दौड़ करके मेरा काम करेगा। आज दौड़ दौड़ करके करते हैं पूरा उज्जैन से लेकर माकड़ोन का क्षेत्र। हम सोच करके देखें कि हमारे जीवन में गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद ऐसा नहीं घटा क्या? जो चल नहीं सकता था वो चल रहा है, जो बोल नहीं सकता था वो बोल रहा है, जो गा नहीं सकता था वो गा रहा है। हम में से प्रत्येक के जीवन में कुछ ऐसी ही घटना तो घटी। और यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करके देखें तो हम में से कोई लोहा था गुरुदेव के साथ जुड़ने के बाद सोना हो गया, कोई बिल्कुल अनगढ़ था गुरुदेव से जुड़ने के बाद सुगढ़ हो गया, किसी को बोलना नहीं आता था, खड़ा नहीं होना पाता था, और अब हजारों के बीच में आदमी खड़े होकर के बोलता है और मन में विश्वास होता है कि गुरुदेव हमारे साथ खड़े। ये जो विश्वास गुरुदेव ने हमारे भीतर पैदा किया ये अवतारी चेतना से जुड़ जाने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में आ पाता है। और मैं कहूँगा कि हम लोग मात्र अवतारों के जो गुरुदेव के जीवन की अवतारी चेतना है और उसके जो चमत्कार हैं यही लोगों को नहीं बताएं, ये बताएं कि इसके पीछे का आधार क्या था। इसके पीछे का आधार वो व्यक्तित्व का परिष्कार था, इसके पीछे का आधार वो गुरुदेव का समर्पण था, इसके पीछे का आधार गुरुदेव के जीवन का वो प्रकाश था जो व्यक्ति न जाने कितने जन्मों के बाद प्राप्त कर पाता है। गुरुदेव हिमालय की यात्रा से लौट करके आए तो लोग गुरुदेव के पास गए तो उनमें से एक कार्यकर्ता ने गुरुदेव से पूछा, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हिमालय गए तो कौन सी सिद्धि मिली? गुरुदेव हंसे, गुरुदेव बोले बेटा सिद्धि पाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं होती, सिद्धि तो तुझे यहीं कमरे में साधना करने से मिल जाती है। बोले दी चढ़ना है तो तू उस हिमालय को मत चढ़, उस आदर्श के हिमालय को चढ़ जिस पर हम जीवन भर चढ़े, और उस आदर्श के हिमालय पर व्यक्ति चढ़ता है तो जीवन में कुछ प्राप्त कर पाने की स्थिति में आ पाता है। हमारे जीवन में हम लोग यदि देखें गुरुदेव की 71 की अखंड ज्योति को उठा करके देखें तो गुरुदेव ने उसमें लिखा है हमारा सब कुछ प्रकाशमय है, अंधकार के आवरण हट गए, अब जीवन में जिधर देखें उधर प्रकाश और शांति दिखाई पड़ती है। इसी को तो ब्रह्मानंद कह करके पुकारते हैं, यही तो आत्म साक्षात्कार की प्रतिष्ठा है, यही तो आत्मानंद है। इसी के लिए तो योगी तपस्वी अपने पूरे जीवन को निरत करते हैं। तो इसीलिए यही कारण तो है कि गुरुदेव के जीवन की जब परिभाषा करने का वक्त आता था तो बड़े बड़े लोग गुरुदेव का नाम सम्मान के साथ लेते थे। यहाँ पर 84 का कुंभ था, देवराह बाबा का नाम सभी लोग जानते हैं, देवराह बाबा के पास अपने आके बहुत सारे लोग मिलने के लिए गए, वो दीक्षा दिया करते थे मचान से, तो ऐसे लाइन लगती थी, उसमें गायत्री परिवार के लोग भी जाकर के बैठ गए। अब जब गायत्री परिवार के लोग जाकर के बैठ गए तो देवराह बाबा का जब दीक्षा देने का समय आया तो उनने लोगों को एक एक करके उठाना शुरू करा। बोले आप वो जो तीसरी लाइन में बैठे हैं आप तीनों लोग खड़े हो जाइए, इधर जो चौथी लाइन में बैठे हैं आप लोग खड़े हो जाइए, आप लोग जो सातवीं लाइन में बैठे हैं आप लोग बाहर निकल जाइए।
तो गायत्री परिवार के लोगों को लगा कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा बेटा आप लोग क्यों आकर के बैठे हो? बोले दीक्षा लेने के लिए। कहाँ से आए हो? गायत्री परिवार से। बोले बेटा तुम लोगों की दीक्षा भगवान राम ने दी है, तुमको देवराहा बाबा दीक्षा नहीं दे सकते। इतना बड़ा सौभाग्य, बड़े बड़े लोग, सन 74 की घटना है, देवराहा बाबा के पास न्यूज़वीक वाले इंटरव्यू लेने के लिए गए और उनसे बोले कि इस साल की सबसे बड़ी घटना क्या घटी है? 74 में क्या घटा था? पोखरण का विस्फोट हुआ था। तो सबने क्या सोचा कि ये बोलेंगे पोखरण का विस्फोट हुआ। देवराहा बाबा क्या बोले? देवराहा बाबा बोले कि इस साल की जो सबसे बड़ी घटना घटी है वो ये घटी है कि परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने महिलाओं को गायत्री का अधिकार दिला दिया। बोले वो ब्रह्मवादिनियों की तरह से आज घर घर पहुंच रहे हैं। बोले इस घटना का जो प्रभाव है वो आपको आने वाले 50-100 वर्षों के अंदर महसूस होगा। आज की तारीख में भारत उस जगह पर जाकर के खड़ा हो गया है जहां से निकालने में ऋषियों को 1000 साल का वक्त लगा था। आप सोच के देखिए। इसीलिए बड़े बड़ी शक्तियां भी गुरुदेव के नाम को इतने सम्मान के साथ लेती थी। और वो आत्म प्रतिष्ठा के शिखर पर थे वो तो एक बात, संवेदना के शिखर पर थे वो दूसरी बात। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी योग्यता और उसके बाद मन में इतनी संवेदना का होना, इतने कष्ट का होना, इतनी पीड़ा का होना कि दूसरे का दर्द अपना लगे। हम लोग छोटे थे, एक बार एक दीदी आई, गुरुदेव के पैर पकड़ करके रोने लगी। गुरुदेव सिर पर हाथ रखते रहे, मेरा बेटा, वो मांगती नहीं बहुत देर। अब गुरुदेव की आँख से आंसू गिरे, चली गई वो। तो उसके बाद गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले कि बेटा कहाँ से लेकर के आऊँ, इसको आने में वक्त हो गया, इसका लड़का तो 10 दिन पहले आत्महत्या कर चुका है। इतना कष्ट, मन में पीड़ा कि अरे मैं इसके लिए कुछ कर सकता, इतना दर्द। यही कारण तो था कि लोगों के मन में लगता था कि उनके कष्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं। आप गुरुदेव को अखंड ज्योति में पढ़ें तो गुरुदेव ने लिखा कोई हमें संत मानता है, कोई सिद्ध मानता है, कोई ज्ञानी मानता है, पर हमारा अंतःकरण किसने खोल करके देखा है? खोल करके देखे तो उसे वहाँ पर रोती, सिसकती, बिलखती आत्मा दिखाई पड़ेगी। तो इतने बड़े व्यक्ति रोए किसके लिए, बिलखे किसके लिए? हमारे लिए। तो मैं कहूँगा कि आज की तारीख में हम लोग यहाँ से गुरुदेव के दर्द का हिस्सा लेकर के जाए, और कुछ लेकर के जाए न जाए, हमें उत्तराधिकारी बनना हो तो हम गुरुदेव के दर्द का उत्तराधिकारी बने। ये सोच करके जाए कि उनके दर्द को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, जन जन तक गायत्री परिवार को पहुंचाने के लिए क्या हमारे द्वारा है जो संभव हो सकता है। इस भावना को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं, इस दर्द को हम लोग लेकर के जाएं, लोगों को बताएं दोस्तों कि हमारे गुरुदेव कौन थे, कौन थे हमारे गुरुदेव? हमारे गुरुदेव वो थे जो अलौकिक चिंतक थे, महाकाल के अंशधर थे, गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुँचाने वाले थे। जिस समय में लोग ये जानते नहीं थे, आप सोच करके देखिए, आयरलैंड की राष्ट्रपति 14 साल तक राष्ट्रपति रही, नोबल पीस प्राइज मिला, उसके बावजूद उनको आयरलैंड में बिशप नहीं बनने दिया गया। 2014 की घटना है, क्योंकि महिलाएं अलाउड नहीं है। और सन 70 में जब लोग बोलते थे महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकती, गुरुदेव ने उनको सारी चीज़ों का इंचार्ज बना के बैठा दिया। हम लोग अकेले आश्रम रहे जहाँ पर सन 71 से लेकर आज तक सारे यज्ञ संस्कार आप सुबह आकर के बैठी दीदी लोग करा रही। ये किसकी चेतना रही? गुरुदेव की चेतना रही। हमें अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है, हमें अपने बच्चों को, नए जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को ये बताने की आवश्यकता है कि गायत्री परिवार गुरुदेव ने मात्र यज्ञ और संस्कार के लिए नहीं बनाया, इससे बड़ा प्रगतिशील संगठन आज तक खड़ा नहीं हुआ है। जहाँ पर आप जा करके देखिए, आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय भ्रमण करके देखिए, हर चीज़ रिसाइकिल हो रही है। आज लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों को करे हुए 12 वर्ष हो गए, जहाँ पर पूरा का पूरा कैंपस जो है वो जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, हर जितना कूड़ा है वो रिसाइकिल हो जाता है, यहाँ पर जितना महिलाओं को अधिकार है उतना कहीं नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है कि गुरुदेव वो करके गए जो अनेकों के द्वारा सपने में भी कर पाना संभव नहीं था। आज इसी दर्द को, इसी पीड़ा को लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है। अंत में दोस्तों एक छोटी सी घटना सुनाकर मैं बात को समाप्त करूँगा। हम लोग छोटे छोटे थे, 8-8 साल के बच्चे शांतिगंज में घूमते रहते थे। एक दिन गुरुदेव ने बुलाया कि तुम लोगों की मीटिंग लेंगे। अब छोटे बच्चों पे ध्यान किसका जाता है, पर सोचिए इतनी बड़ी शक्ति बुलाया और क्या कहा हम लोगों से। हम लोगों से कहा कि बेटा तुम लोगों को रोज़ चिट्ठी लिखनी है। चिट्ठी लिखने में क्या होता था,
आठ साल के बच्चे की कैसी हैंडराइटिंग होगी आप जानते हो, तो पत्र तो कहीं नहीं जाता था, पर उसका लाभ क्या होता था, आठ आठ साल के बच्चे जब चिट्ठी लिखने के लिए बैठते थे रद्दी कागज पर तो आपकी भाषा में प्रांजलता आती है, जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो आपको समझ विकसित होती है, किसी ने लिखा क्या है, आपको बोलना क्या है और आपको किन तरह के शब्दों का चयन करना है। इतनी दूरदृष्टि के साथ गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई कि बेटा जितने लोग हैं तुम उनको चिट्ठी लिखो बैठ के, अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम लिखने में लगे, पर गुरुदेव क्या करते थे, शाम को उन सारी चिट्ठियों को फड़वा देते थे, बदले में एक चिट्ठी लिखने का दो पैसा देते थे। तो आपने तीन चिट्ठी लिखी तो आपको छः पैसे मिले, छः पैसे की उस समय में पार्ले जी की वो एक संतरे वाली टॉफी आती थी, आप जाके खरीद लो, बच्चे खुश होते थे कि देखो हमें हमारी कमाई का मिला। तो एक इतनी बड़ी दूरदर्शिता के साथ गुरुदेव ने किया, सबसे कहा कि बेटा तुम बैठ करके चिट्ठी लिखो। दूसरा गुरुदेव ने हमसे क्या कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा तुम लोगों का काम क्या है, बच्चे तो दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, उन्होंने कहा तुम लोगों को खेलने का मन है, बोले हाँ, तुम लोगों को क्या करना है, उस वाले गेट से इस वाले गेट, इस वाले गेट से उस वाले गेट, इसका क्या मतलब, बोले इसका मतलब ये है कि जैसे उस गेट पे खड़े रहो कोई नया व्यक्ति आए उसको पकड़ लो और उसको पूरा शांति में घुमा करके इधर ले आओ, फिर उसके बाद कोई इधर आए तो इधर से पकड़ लो घुमा करके उधर ले जाओ। अब इसमें क्या है, बच्चों की ऊर्जा भी लग गई और साथ ही साथ हर बच्चे को ये बताने का भाव आ गया कि देखो शांतिकुंज है क्या, आपके अंदर क्या भाव विकसित हुआ, आपको ये लगा कि देखो शांतिकुंज है क्या, हम हर एक को बता रहे हैं शांतिकुंज का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मनुष्य में देवत्व का उदय क्या है, वयम राष्ट्र जागरह पुरोहिता क्या है। और हम अभी याद छोटे छोटे थे, हम लोग कुर्ता धोती में घूमते रहते थे, जो आते थे वो तो हम बोल क्या रहे हैं इस पर उनका ध्यान नहीं होता था, आठ आठ साल के बच्चे बता रहे हैं देख करके आदमी गले लगा लेता था, अरे इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आदमी के मन में भाव आ जाता था। तीसरा गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा पूरे शांतिकुंज में बिल्डिंगें बन रही हैं, कभी प्रज्ञा भवन बन रहा है, कभी लक्ष्मी भवन बन रहा है, कभी सावित्री भवन बन रहा है, सब बने, गायत्री नगर लगभग हम लोगों की आंखों के सामने ही बना। बोले तुम्हें दिन भर में एक काम करना है, हर बिल्डिंग के अंदर दो ईंटें लगा के आनी है। उसका क्या लाभ, उसका लाभ ये कि आज भी जब हम उस जगह से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमने दो ईंटें लगाई, यहाँ पे हमारे द्वारा गलत क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जिस जगह पर ईंटें हमारी लगी हैं वहाँ पर हम बढ़ाने के लिए तो करेंगे, वहाँ पर उसको तोड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं। और जो चौथी बात गुरुदेव ने क्या करी, इतनी काम की बात, उन्होंने कहा बेटा तुम लोग शांतिकुंज में घूमना, कोई भी ऑफिस खाली दिखे तो वहाँ जाके कुर्सी पे बैठ जाना, उस दिन के इंचार्ज तुम लोग, कोई ऑफिस खाली रह नहीं सकता। अब आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर क्या है कि यदि कोई अपनी जगह पर नहीं है और आठ साल का बच्चा बैठा हुआ है तो एक तो जिनको होना था उनको भी लगेगा कि अरे हमको वहाँ पर होना चाहिए था, और दूसरा जो व्यक्ति आएगा उसको कितना अच्छा लगेगा कि अरे भाई देखिए शांतिकुंज के अंदर आठ साल का बच्चा भी बैठकर हमारी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। मैं कहूँगा गुरुदेव जो हम आठ साल के बच्चों को बता करके गए वही हमें करने की आवश्यकता है। हम लोग रोज एक व्यक्ति को पकड़े और उसको चिट्ठी लिखें, उसको कहें कि देखिए आपको गुरुदेव के इस काम को करने की आवश्यकता है, फेसबुक में लिखें, व्हाट्सएप में लिखें, एक व्यक्ति पकड़े एक को चिट्ठी लिखें, दो पैसे मिलेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, पर यह है कि गुरुदेव का काम होएगा। दूसरा, हम लोग जहाँ कहीं पर भी दिखे, अपने शक्तिपीठों में, प्रज्ञापीठों में, जहाँ हमें लगे कि यहाँ पर जगह खाली है, शिकायत करने की जगह पर हम वहाँ जाके बैठ जाएं और उस काम को करने लग जाएं, गुरुदेव हमें सिखा के गए। तीसरा, जहाँ पर हमें लगे कि यहाँ पर किसी काम को करने के लिए यहाँ पर कोई काम चल रहा है वहाँ पर हमारी दो ईंटें जरूर लग जाएं, हमें लगा देने की आवश्यकता है। चौथा, कोई हमें दिखे लगे कि अरे नए व्यक्ति आए हैं, नए सज्जन हैं, इनको शांतिकुंज, इनको हमारा शक्तिपीठ, इनको हमारा प्रज्ञापीठ, इनको गुरुदेव से परिचय कराने की आवश्यकता है, तो जो गुरुदेव कह करके गए इधर से उधर, उधर से इधर, इस गेट से उस गेट, उस गेट से इस गेट, वो हमें करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये हम कर पाते हैं तो गुरुदेव के लिए एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि दे पाने की स्थिति में होंगे। भगवान करे कि आप लोग इतने पवित्र भाव को लेकर के आए, यहाँ से और मजबूत संकल्प को लेकर के जाए। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी को बहुत सारी मंगल। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।